वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज मैं कवर करने आ गई हूँ एक सेमिनार को, बट ये ऐसा वैसा सेमिनार नहीं है। आज का सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी सारे बच्चों के फ्यूचर बनने वाले, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए सेमिनार रखा जा रहा है। सो काफी टाइम से मैं अपने सोशल मीडिया पे देख रही थी, हर एक जगह पे देख रही थी मेंटोर्स एड्यूसर्व के बारे में। तो मेंटोर्स एड्यूसर्व जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पे हर साल बिहार एंड झारखंड के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाई जाती है, टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम, जिसका एग्जाम रिसेंटली हुआ है 1 अक्टूबर को। तो ये एग्जाम जो हुआ था क्लास 5 से लेके 11th के बच्चों के लिए था। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि इस एग्जाम के लिए बच्चों को जो रजिस्ट्रेशन करना था वो भी टोटली फ्री था, और इस स्कॉलरशिप का, बाकी सब लोग जो स्कॉलरशिप देते हैं बहुत छोटा देते हैं, मतलब इनका स्कॉलरशिप इतना बड़ा था 28 करोड़, मतलब 28 करोड़ का टोटल स्कॉलरशिप 1600 बच्चों में बांटा जाएगा, और जितने भी और भी डिजर्विंग बच्चे हैं उनको भी कैश रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। तो झारखंड एंड बिहार में ये 1 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था एंड फाइनली उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। एंड जैसा मैंने बताया कि बिहार, तो बिहार में हमारा मुजफ्फरपुर भी आता है, तो आज हम मुजफ्फरपुर में हैं एंड मुजफ्फरपुर के बच्चों में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो लोग का अभी सेमिनार स्टार्ट होने वाला है और उनकी एंट्री हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो चीजें सुनी थी, जैसे कि इनके स्कॉलरशिप में क्या था, फूडिंग भी फ्री, एजुकेशन भी फ्री एंड रहना भी फ्री। तो मतलब रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ जो है इनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम में है, जिससे कि जो 1600 बच्चे जीतेंगे उन सबको ये सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं बच्चों से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम में और उन लोगों को सिलेक्ट होके उनको क्या क्या स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो हम चलिए। तो अभी रिसेंटली आपने भी एग्जाम दिया होगा, आप किस क्लास में हैं? 10th में। तो आपको ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहाँ से आपने एग्जाम दिया था? द्वारका नगर से। हाय, आप किस क्लास में हो? ओके, सो आपको ये मेंटोर्स का जो टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम हुआ उसके बारे में पता कैसे चला? आपके इंस्टीट्यूट में। ओके, तो एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे। ओके, तो आप भी सेलेक्ट हो गए हो, आपको इसके बारे में कैसे पता चला ये टैलेंट? मेरे दोस्त बोला कि फॉर्म भर दिया है, उसी के साथ मैं आपके दोस्त ने फॉर्म भरा इसका। किस क्लास में अभी आप? 10th में। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? मैं इंस्टीट्यूट से। ओके, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, बहुत अच्छा। और ये जो टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम जो हुआ है उसके बारे में क्या क्या पता है आपको, क्या क्या इसमें आप लोगों को फैसिलिटी मिलने वाली है? मैम, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी। हेलो, आप किस क्लास में हो? 10th में। आपको इस एग्जाम के बारे में कहाँ पता चला? स्कूल से पता हुआ था। उसके बारे में कैसे पता चला? हमारे स्कूल से पता चला। स्कूल से जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उसका कोई फी भी लगा था या फिर फ्री हुआ था? फ्री हुआ था। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस एग्जाम में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। एक्सक्यूज मी, आप किस स्कूल से हो? स्कूल ड्रेस में आया हो? सबसे पहले हमारे स्कूल के द्वारा हमें बताया गया कि एक कॉम्पिटिशन के एग्जाम है जिसके द्वारा हम सीमेंस और नेट की तैयारी कर सकते हैं, तो वैसे हमारे टीचर्स ने हमें बताया और उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे आए। हुआ है स्कॉलरशिप एग्जाम, उसके बारे में पता कहाँ से चला? स्कूल से। तो आपको क्या पता है मेंटोर्स एडसर्व जो ये टैलेंट एग्जाम करवाया है इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली, कुछ आपको पता है? आई थिंक स्कॉलरशिप मिलेगा। क्लास में है? और उनके अभिभावक ने पूरे मेंटर्स परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। और मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इस सेमिनार को सक्सेसफुल बनाने में जितना मेरा रोल है उससे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम अपने डायरेक्टर सर की जर्नी को थोड़ा याद कर लेते हैं कि जो बिहार में शायद ही कभी पहले हुआ होगा कि एक ही संस्थान के एक ही बच्चे IIT में सिलेक्ट हो रहे हैं, इससे काफी नाम हुआ। और फिर
बहुत सारे फिजिक्स इन्वेंटर थे साहब। मैं आप लोगों को बहुत नम्र आग्रह के साथ आगे की प्रोसेस ये बताऊंगा कि आपने आज कितनी स्कॉलरशिप जीती है, पापा मम्मी के कितने पैसे बचाए हैं आपने। 200, 2, and 200, 1, 2, 254, 3 क्लियर है? तो बच्चियों से रिक्वेस्ट होगा, बेटा आप लोग जाके अपना रिजल्ट ले सकते हैं, आज बॉयज जाए जिनको नहीं पता। सेमिनार खत्म हो गया, अब जो रिजल्ट आया है, जिनको जो रैंकिंग मिली है उसके लिए उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। सबसे पहले जो है लड़कियां हैं उनको मिलेंगे, उनके बाद बॉयज को मिलेंगे। तो रिजल्ट अभी मिलते हैं, फिर हम बच्चों से बातें करते हैं कि उनकी रैंक क्या आई है और रैंक के बेसिस पे उनको क्या स्कॉलरशिप मिला और क्या क्या फैसिलिटी जो है मेंटोर्स एडुसर उन लोगों को दे रहा है। रिजल्ट आपको मिल गया, क्या रैंक आया है देखा आपने? बताइए रैंक आया है अंदर में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई दी, क्या क्या बताया गया इसके बारे में बताया गया एक्सक्यूज मी आपका रिजल्ट देखा आपने? यस मिस। क्या रैंक आया आपका? 145 डिस्ट्रिक्ट लेवल। वाओ अमेजिंग। आप लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी सेमिनार में, क्या बताया गया? जैसे स्कॉलरशिप मिलेगी उसके अनुसार आपका पढ़ाई या फी बताया जाएगा। ओके आप किस स्कूल से? प्रभात थाना से हैं। वाह किस क्लास में? 10th की। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। यहाँ काफी सब जितने भी बच्चे आए थे सबको रिजल्ट मिल गए हैं, तो यहाँ पे जा रहे हैं हम, कुछ और बच्चों से बातें करेंगे अभी। बताइए आपका रिजल्ट क्या आया है? सही आया है। स्कॉलरशिप के बारे में क्या बताया गया आप लोग को? एक्सक्यूज मी स्कॉलरशिप के बारे में क्या क्या आप लोगों को बताया गया अंदर में? स्कॉलरशिप मिलेगा तो उसके आगे हम लोग को जिस चीज की तैयारी करनी, मेडिकल इंजीनियरिंग की, तो उसमें क्लासेस के बारे में भी आप लोग को बताया गया। ट्यूशन ऑफलाइन। आप भी हो गया। सेमिनार तो खत्म हो गया, बहुत अच्छा रहा और भीड़ मतलब पूरा क्राउड जो था ना ये पूरा भड़के और एक्स्ट्रा चेयर्स लगे हुए थे। और जैसे ये सेमिनार खत्म हुआ है बच्चों के रिजल्ट्स उनको मिले हैं, रिजल्ट्स खत्म होते ही फैकल्टी जो सर है वो वहाँ बैठे हुए हैं। जैसे बच्चों को रिजल्ट्स मिले उनको जो भी क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा कि क्लासेस कब से होगा, ज्वाइन कब से करना है, वो सारे रिजल्ट्स वो लेके वहाँ पे पहुँच गए हैं। 15,000 का जो आपको पटना में मिलेगा, इसके लिए आपको फोन आएगा, आपको बस फोन उठा लेना है और वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कब कैसे जिसका वो स्कॉलरशिप परसेंटेज भी नहीं और वो भी नहीं है तो पटना में बुलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल आ सकते हैं। टोटल कैंडिडेट्स कितने थे मालूम है? हाँ कितने हैं? 1,22,000 बिहार में रैंक उसी बच्चे के अप्रोक्सीमेट 267 और आपको 15,000 कैश मिलेगा और ये कैश कहाँ मिलेगा? पटना में मिलेगा। ठीक है आपको कॉल्स आएंगे। सो गाइस हमने बच्चों से तो काफी कुछ पूछा ही बट पूरा इन्फॉर्मेशन जो है जो यहाँ के फैकल्टी हैं प्रकाश ओझा जी सर हैं फिजिक्स की फैकल्टी, आई डोंट नो मैं सारे डिटेल्स सर से पूछूंगी, तो जो अभी एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे डिटेल्स जो है हम शॉर्ट में सर से भी बात करके पूछते। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश ओझा एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन मेंटर्स एडुसर। मीटर एग्जाम 5 to 11 क्लास के बच्चों के लिए हर साल मेंटर्स एडुसर कंडक्ट करवाता है जिसका सोलो पर्पस है कि चुनिंदा छात्रों को चूज किया जाए जिनकी पढ़ाई में आर्थिक बाधा कभी ना आए। हम इस एग्जाम के तहत उन्हें डिस्काउंट्स, उन्हें स्कॉलरशिप्स और सबसे बड़ी बात है प्रोत्साहित करने के लिए हम उन्हें कैश रिवार्ड भी देते हैं। इसके तहत आप बच्चे आकर पटना में हमारे बैचेज में अर्ली एडमिशन्स ले सकते हैं। 7 नवंबर तक एडमिशन्स लेने पर ज़्यादा डिस्काउंट है, ओल्ड फीस लगने वाली है और 14 दिसंबर से हमारा पहला एडवांस बैच भी चालू होने वाला है जिसमें सिलेबस टाइमली, अच्छे फैकल्टी और सारी सुविधाएं मिलेंगी जिस सुविधाओं के जरिए आप IIT या NIIT और साथ में आप मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं। मीटर एग्जाम हर उन बच्चों के लिए जिनके लिए आर्थिक बाधा है उनके लिए एक वरदान है। इसके तहत 50%, 90% कभी कभी तो 100% भी स्कॉलरशिप मिलता है, रहना खाना पढ़ना सब मुफ्त हो जाती है। तो बच्चों
आपसे मुलाकात पटना में होगी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सेमिनार को ओवरऑल पूरी तरह से कवर किया एंड सारे बच्चों से भी पूछा, उनकी भी यू नो आज का कैसा उनका सेमिनार रहा, सारा फीडबैक हमने सर से भी पूछा. डिटेल्स मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था, तो आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा. तो अगर आप लोग ने भी पार्टिसिपेट किया था इस एग्जाम में, इस स्कॉलरशिप एग्जाम में, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. एंड अगर आप लोग मेंटोर्स एडसर्व के स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए. तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. बाय बाय.